दोस्तों सितंबर 25, 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड निक्सन बस इसलिए हार गए क्योंकि लोगों ने उनको फिजिटिंग करते हुए और आईब्रोज को स्क्रब करते हुए कैमरा में देख लिया था, जिससे लोगों को लगा कि रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये फिजिटिंग क्या है, तो वो हम आपको टेक्निक नंबर 5 में डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लियन लाउंडर्स द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 टेक्निक्स बताएंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अमेजिंग बनाएगी। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डील, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या अपने क्रश के साथ डेट पे जाना, ये टेक्निक्स आपकी लाइफ में आपको हमेशा मदद करेंगी लोगों पे अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में। तो इस वीडियो में बताए जाने वाली हर एक टेक्निक को ध्यान लगा के समझिएगा। सो टेक्निक नंबर 1, द फ्लरिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उससे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी स्माइल। यही स्माइल या तो सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है, या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देख के बस स्माइल करता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन शो करने के लिए आप कभी भी किसी से मिलें तो तुरंत स्माइल ना करें, 2 सेकंड्स उसके फेस को देखें, एक पॉज लें और फिर एक बड़ी एंड रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और सिर्फ उनके लिए है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आईज। आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, इसके बजाय वो इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को शो करती है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उस टॉपिक में या उनमें। तो आपको हमेशा टारगेटेड या सामने वाले पर्सन से लंबे टाइम तक आई कॉन्टेक्ट रखना है, और अगर आपको कहीं और देखना हो तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो और ना ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कॉन्टेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज, डोंट लीव होम विदाउट इट। ज्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वो सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एटसेट्रा। लेकिन इस दौरान वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भूल रहे होते हैं, और वो है एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करंट टॉपिक्स को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि अगर आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं या किसी से भी मिलने जाएं, तो जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट्स पे या करंट टॉपिक्स के बारे में या तो पढ़ लें या उन्हें देख लें, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज, लेटेस्ट या अपकमिंग मूवीज और इवेंट्स एटसेट्रा। इससे आपके पास काफी टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए, और सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास काफी नॉलेज है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे पहली मुलाकात में ही ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से जानते हों, और उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हो, या वो आपका फ्रेंड रह चुका हो जो काफी टाइम बाद मिला है। अगर ऐसा इमेजिन करके कॉन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे, और ये चीज सामने वाले को शो करेगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हो जो फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है। क्योंकि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हो और उनकी कितनी केयर करते हो। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजिट। फिजिटिंग का मतलब होता है बात करते वक्त आपकी मूवमेंट्स या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर ना रखना, इधर उधर देखना या आई टू आई कॉन्टेक्ट ना करना। ये चीजें आपको नर्वस या झूठा शो करती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी फिजट कर रहे हो बात करते समय। तो इसे ठीक करने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करें। कभी भी किसी से भी बात करते टाइम अपने फेस को टच ना करें, बिना ज्यादा मूवमेंट करें एक स्ट्रेट पोस्चर में कॉन्वर्सेशन करें, अपने हाथ से कुछ भी स्क्रैच ना करें जैसे कि अपना फोरहेड, टी शर्ट, पैंट या अपना नेक। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो कॉन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिजट करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चोजन। हर कोई कभी ना कभी लाइफ में ऐसे पर्सन से मिलता है जिससे मिलने के बाद लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब ये आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, मेंटर या आइडल, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये वही होगा जिसके साथ या तो आप रिलेशन में आना चाहते हो या वो आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर कहती है कि अगर कभी आपको ऐसा पर्सन दिखे एज ए मेंटर, फ्रेंड, आइडल या लव पार्टनर, तो वेट ना करे कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा या आपसे खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें।
क्योंकि ज्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं लेते और फिर बाद में पछताते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेकेड सिटी। अगर आप कभी भी किसी से मिले तो आप कोशिश करें कि वन लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी सिटी के नाम के साथ थोड़ा अपनी सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं और सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। जैसे ऑथर जब एक ट्रेड एसोसिएशन में गई हुई थी तब एक मिसेस डेवलिन नाम की लेडी ने उन्हें अप्रोच किया, तो ऑथर ने भी उस लेडी को वन लाइन में आंसर नहीं दिया बल्कि उन्होंने कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनकी सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहां का फेमस फूड प्लेसेस और वहां का कल्चर, जिसके बाद लेडी को लगा कि ऑथर भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट है और फिर डेवलिन ने ऑथर को खुद अप्रोच करा ट्रेडिंग लेसन सिखाने के लिए। तो आप भी ऐसे ही अपनी सिटी के बारे में बताएं और पूछें दूसरों से। टेक्निक नंबर 8, हैंड सेज होर्स सेंस। क्या कभी आपने भी इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है और म्यूट होने के बाद भी आप कॉल पे बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हो परफॉर्मर्स के एक्सप्रेशन की वजह से? सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसको देखकर ही आपको अपने मूव्स को एडजस्ट करना है या चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें कि वो कैसे आपकी बात को रेस्पॉन्ड कर रहा है, और अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, वरना आपको टॉपिक चेंज कर देना है या उनसे कुछ पूछना है। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि आपके लिसनर्स कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड। यानी कि आप जब भी किसी से मिलें तो सबसे पहले आप उनको देख के अंदाजा लगा लें कि सामने वाला कैसे मूड में है और फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या जॉब चली गई है और वो आपको अपनी बात बता रहा है तो आप फनी वे में उस बात को ना लें जस्ट बिकॉज आप फनी बात करने के मूड में हो। हमेशा सामने वाले का मूड देखो कैसा है और उस अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो उस वक्त सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे क्योंकि आप सच में उनकी सुनते हो और समझते हो। टेक्निक नंबर 10, इपॉक्सी आइज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप वन टू वन ही किसी कॉन्वर्सेशन के हिस्सा होंगे, बल्कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप तीन या तीन से ज्यादा लोग हों और वहां बोलने वाले आप नहीं बल्कि कोई और हो। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना कुछ बोले अपने टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है तो आप स्पीकर को सुनने से ज्यादा अपने टारगेट पर्सन पे इंटरेस्ट शो करें, बीच बीच में उसकी तरफ देख के। और ये आई कॉन्टेक्ट आपके टारगेट पर्सन को शो करेगा कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो कम्पेयर टू जो सामने वाले बोल रहे पर्सन से। लेकिन ये टेक्निक सेंसिटिव है और इसका अच्छे से यूज करना आना चाहिए क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी भेज सकता है, तो इसे बैलेंस वे में यूज करिए क्योंकि ये टेक्निक काफी पावरफुल है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।